नमस्कार, आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, कुछ बातें मैं मेरे हरेक वीडियोज में आपके साथ शेयर करता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ। कुछ बातें हमारी इस सृष्टि के ऊपर जितनी भी चीज़ें कुदरत ने बनाई है, वो सभी चीज़ों का अलग अलग ग्रह से सीधा संबंध है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मंत्र दिए हैं। वो सभी मंत्रों में एक विशेष शक्ति है। सभी ग्रहों के अलग अलग मंत्र है, सभी देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं, मगर वो सभी मंत्रों में एक विशेष शक्ति छिपी हुई है। दोस्तों, तो कुछ खास चीजें लेकर, कुछ खास दिन पे, कुछ खास मंत्रों का सहारा लेकर हम कुछ खास उपाय कर लेते हैं। दोस्तों, आज के दौर में, आज के ये समय में हमें जिसकी ज्यादा जरूरत है, जिसे हम रुपये बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं, आप भी रुपयों को आकर्षित कर सकते हैं। अपेक्षा रखता हूँ वीडियो को भगाकर दौड़ाकर स्किप करके नहीं देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। जो भाई बहन ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे पहली विजिट ले रहे हैं, आप पहली बार पधारे हैं मेरे चैनल पे, ऐसी जानकारी में आप रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल दबाएं, परिवार से जुड़ जाए। पूरा परिवार आपको वेलकम करने के लिए खड़ा है। वीडियो देखने के बाद हर दिन की तरह नम्र अर्ज़, छोटी रिक्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखेंगे। बिना जय श्री राम लिखे आप दोस्तों वीडियो बंद नहीं करेंगे, चैनल को छोड़ के नहीं जाएंगे। जय श्री राम लिखे बिना आप वीडियो बंद ना करें, अधिशकन का काम है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8732985130। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप मुझे ये नंबर पे मैसेज करें, आपकी समस्या बताइए। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी, पहले निशुल्क कर रहा था, फालतू के कॉल, फालतू के मैसेज से थक गया था, मजबूरन मुझे फी रखनी पड़ी, क्योंकि जो मुफ्त में मिलता है उनकी कदर नहीं होती है। ये सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप करके रख दें। दिन में एक दो बार मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, रिप्लाई अवश्य करूँगा, जवाब अवश्य दूँगा, सभी को जवाब देता हूँ। फालतू के कॉल और फालतू के मैसेज ना करें, फालतू की वीडियो, फालतू की लिंक आप मुझे ना भेजें। दोस्तों, पहले तो आप जीवन में एक आदत बना लें। आदत नहीं बना सकते, थोड़े दिन प्रयोग करके देखें। जब भी आप बाजार में जाए, मार्केट में जाए, कोई भी चीज़ लेने के, छोटी मोटी चीज़ लेने के लिए आप बाहर जाते हैं, आप जेब में से पैसे निकाल के दुकानदार को देते हैं, शॉप वाले को देते हैं, कोई छोटे पैसे आपको वापस देते हैं, तो पैसे हाथ में लेने के वक्त 3 बार मन ही मन बोलना है आपको। आप कोई भी प्रांत से है, कोई भी कंट्री से है,
कोई भी धर्मों से है, ये प्रयोग आप अवश्य करके देखें। सॉरी, मन ही मन 3 बार बोले, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम वेलकम वेलकम। जब लक्ष्मी आपके हाथों के पर विराजमान होती है तब आप माता लक्ष्मी का स्वागत करेंगे, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, या तो वेलकम वेलकम वेलकम। एक छोटी आदत बना ले दोस्तों। दोस्तों ये उपाय आप हर दिन नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन में एक बार करें, 3 दिन में एक बार करें, हर शुक्रवार के दिन करें। उपाय आसान है, सरल है, उतना ही सटीक है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी दोस्तों। आज जो रुपयों की तंगी है आपके जीवन में, आपके घर में रुपयों की तंगी है, घर में बरकत नहीं है, तो वो रुपयों की तंगी दूर हो जाएगी। भरोसा रखे, विश्वास रखे, वो रुपयों की तंगी इतिहास बन जाएगी। दोस्तों ये है हल्दी की गांठ। हल्दी लक्ष्मी प्रिय है, विष्णु प्रिय है, औषधीय गुणों का भंडार है। इसमें बृहस्पति ग्रह से सीधा संबंध है गुरु ग्रह से, हल्दी का। ये प्रयोग आप शुक्रवार के दिन करेंगे, हर दिन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हर शुक्रवार के दिन सुबह में करें, स्नान करने के बाद करें। कोई शुक्रवार छूट जाता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवित्रता का पूरा ख्याल रखें। बहनें, खासकर बहनें उपाय करती है तो अपवित्र दिनों में उपाय ना करें, पवित्रता का पूरा ख्याल रखें। दोस्तों 1 रुपये का भी खर्च नहीं है ये प्रयोग में, 1 रुपये का भी खर्च नहीं है, सिर्फ आपको प्रयोग करना है। बाजार में से इसी हल्दी की गांठ ले आई है, घर में पड़ी है तो अच्छी बात है। घर में गंगा जल है अच्छी बात है, नहीं तो शुद्ध जल से, गंगा जल है तो थोड़े शुद्ध जल में 8-10 बूंद गंगा जल की डाले, इस हल्दी को पवित्र कर ले, शुद्ध जल से पवित्र कर ले, साफ सुथरे कपड़े से इसे पोंछ ले, आपके सामने रखे। शुक्रवार के दिन सुबह में स्नान करने के बाद बस 5 मिनट का प्रयोग है दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट का उपाय है। 1 रुपये वाले 6 सिक्के लेने हैं आपको, उसे भी पानी से साफ कर ले। जो 6 सिक्के आप लेते हैं वो कभी आप खर्च नहीं करेंगे, किसी को देंगे नहीं, सिर्फ आपके पास ही रखेंगे, घर में ही रखेंगे। 6 सिक्के को आपने पवित्र कर लिया, अब एक छोटे लाल वस्त्र में, छोटा रूमाल भी चलेगा, छोटा लाल वस्त्र, हल्दी की गांठ रखे, 1 रुपये वाले 6 सिक्के इसके अंदर रखते, हल्दी की गांठ के ऊपर 21 दाने साफ सुथरे चावल के लेने हैं आपको, 21 दाने साफ सुथरे चावल के, छोटी कटोरी में चावल के दाने रखे। अनामिका वनगट से 1 चावल का दाना उठाए, एक मंत्र बोलता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो मंत्र लिखा है, ओम रिम नमः। चावल का दाना, हल्दी की गांठ और सिक्के जहाँ रखे हल्दी की गांठ के ऊपर रख देंगे चावल के दाने को, वैसे 21 बार आप ये मंत्र बोलेंगे, ओम रिम नमः, र रिम ऊपर बिंदी रिम, ओम रिम नमः। अब गांठ मार ले, हल्दी की गांठ
इस रुपये को सिक्के आपके घर में उत्तर दिशा में, घर के अंदर उत्तर दिशा में एक रूम वाला मकान है, दो रूम वाला मकान है, कोई जरूरत नहीं है, उत्तर दिशा में कोई भी ऊंची जगह पर इस चीज को रखते उत्तर दिशा में, हर शुक्रवार इस हल्दी को खोलेंगे, आपके सामने रखेंगे, चावल के जो दाने हैं वो दाने निकाल दे, दूसरे चावल ले 21 दाने, जो 21 दाने आपने निकाले हैं वो चावल को बड़े पेड़ के नीचे जाके रख दे कोई भी, दूसरे 21 दाने लेकर ओम ब्रीम नमः मंत्र के जप करे, फिर से गांठ मार के वस्त्र को घर की उत्तर दिशा में रख दे। अगर उत्तर दिशा में जगह नहीं है, उत्तर में जगह नहीं है, अब बोलेंगे उत्तर दिशा में तो हमारा टॉयलेट और वॉशरूम वो सब आ जाता है, या तो हमारा बेडरूम आ जाता है। आप जहाँ पैसे रखते हैं, घर में जितने भी पैसे रखते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितने भी पैसे वो पैसों के साथ में इसे रखते हैं। दोस्तों, मामूली सा लगने वाला ये उपाय आपका जीवन बदल सकता है। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।